और हम ही परिवार के दबाव में आ गए हैं, अगर बेटियां नहीं होंगी तो इन बेटों की शादी कैसे होगी। तो आप सबका आज बहुत बहुत सम्मान है, सभी का आज महिला दिवस और सम्मान समारोह में पधारे हमारे जिले के जितने पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी सबसे पहले हम आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करते हैं। सुमन और सारिका जी, अच्छे रहेगा हमारे देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो ये दो घरों को संभाल करके चलने वाली ये हमारी बहनें, जो कि आज अगर कोई गरीब घर की महिला है। करेंगे माताओं से बात करेंगे और उनकी बात करने के बाद महिला दिवस पे कसम लेते हैं, उनकी बात सुनते हुए उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे, तभी हमारा इब्राहिमपुर गांव में आना सफल हो पाएगा। यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है, इतना सुंदर पेड़ है। अब आप देखिए, ये पेड़ भी तो एक माँ की तरह है। माँ की गोद में बच्चा चाहे जितनी भी शरारत कर दे, माँ कभी अपने बच्चे को मारेगी? माँ अपने बच्चे को गोद से हटाएगी? ऐसे ही पेड़ है। देखो पेड़ पे हमारे भाई लोग बैठे हैं, पलट देंगे तुमको, गिरा देंगे तुमको। नहीं कहता क्यों? क्योंकि वो पेड़ है, उसका स्वभाव है कि उसके ऊपर जो भी बैठेगा वो उसको छाया देगा, जो उसके नीचे बैठेगा उसको वो आराम देगा। माँ भी तो ऐसी होती है। बेटी, हमारी बेटियां, कुछ बेटियां आई थी हमारे साथ, फोटो खिंचवा रही थी ना। एक आ गया है व्यक्ति इस देश में जिसके हाथ में एक ऐसा डंडा है जो कहीं भी महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ तो उसका डंडा चलता है। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसके भेजे हम लोग आपके बीच में। हम सब उनके दौड़ाने से दौड़ रहे हैं। वो पीछे जब मन की बात कर रहे थे, हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते, आप लोग सुने जा, कोई सुनल जला, आप लोग सुनल करी जा। कई ऐसा चीज जो मनोजवा बताई न बताई, प्रधानमंत्री आपके घर में टीवी पे रेडियो पे खोल, अब आखिरी संडे के, हर महीना के आखिरी संडे के 11 बजे प्रधानमंत्री जी खुद बता देते। आज जो हम लोग महिला दिवस का कार्यक्रम यही नहीं हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, हर मंडल में हो, कई लोग मंडलों के सब लोग शामिल। मैम आपका नाम? अच्छा नमस्कार, मेरा नाम सारिका गुप्ता है, मैं उत्तरी पूर्वी जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष। मैम ये जो आज आयोजन किया गया महिला दिवस का, क्या ये हर साल करते हैं या पहली बार मनाया गया है? नहीं, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पहली बार किया है और सौभाग्य की बात है ये हमारी विधानसभा में बहुत अच्छे लेवल पर लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, काफ़ी आनंद आया और महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम से यहाँ की जो औरतें हैं उनमें जागरूकता बढ़ेगी? जी बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम के करने से औरतों में आत्मनिर्भर बढ़ेगी, आत्मविश्वास आएगी, वह अपने जितने भी क्राइम हमारे आसपास हो रहे हैं उसे लड़ने के लिए तत्पर रहेंगी। आपका नाम? मैं सुमन झा। मैम आज ये महिला दिवस मनाया गया था, इसके बारे में बताइए। महिला दिवस मनाया गया था, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले से हम लोग काफ़ी प्रचार कर रहे थे। पहले मैं बता दूं कि मैं सुमन झा भाजपा उत्तरी पूर्वी जिला की, मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूं और मैंने काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम पहले से तय था और खुद ये माननीय सांसद महोदय की इच्छा थी कि जो हमारा ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम मनाया जाए वो इब्राहिमपुर गाँव में हो, गाँव से हो, तो गाँव की महिलाओं को आज की डेट में अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ एनजीओज की महिलाएं भी थीं जिनको इन्होंने सम्मानित करके यह मैसेज दिया लोगों के बीच में, हम ग्रामीण महिलाओं के बीच में, कि महिलाएं चाहे तो हर कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर का रसोई हो या फिर रक्षा मंत्रालय में जैसा सीतारमण जी उदाहरण देती हैं। तो ऐसे लोगों का अभाव है अभी गांव की महिलाओं के बीच में जानने का,
तो यही वजह थी कि हम लोग गांव का चयन किया और यही वजह थी कि गांव में हम लोगों ने महिला दिवस का आयोजन किया। ये आयोजन ये हम लोग के लिए काफ़ी खुशी की बात थी और काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा हमारा, और बहुत बहुत यहाँ की जनता का आभार, धन्यवाद।